देखो यहाँ पर तुम्हें ना एक बॉल है, देखो ये ए पे एक बॉल है जिसकी मास है 1 kg और ये ए से रिलीज कर दिया गया इनसाइड अ वेज विथ हेमिस्फेरिकल कट। ये हेमिस्फेयर का एक कट बना हुआ है, इसी के अंदर में ये इसको काम किया गया जिसकी रेडियस है 0.5 मीटर और फोर्स एग्जर्टेड बाई दी वर्टिकल वॉल। मतलब ये जो वॉल यहाँ पर देख रहे हो ये इस वेज पे, ये वाला वेज है तुम्हारा, इस वेज पे ये कितना जो है ना ये फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा जब ये बॉल बी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, जब ये बी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, समझ गए? तो देखो सिंपल है कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये ए से बी जाने पर ये बॉल के पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी और मोशन तुम्हारा सर्कुलर पाथ में हो रहा है, दैट मीन्स कि mv² / r तो एक फोर्स आएगा ही आएगा बाहर की तरफ, साथ ही साथ वेट जो है उसका कंपोनेंट्स भी आएगा, है ना? तो नॉर्मल फोर्स यहाँ मेन हम लोग को निकालने का काम है। जैसे देखो बॉल की फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाई जाए तो बॉल की फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो इसका वेट हो जाएगा और एक बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ mv² / r हो जाएगा और ये mv² / r साथ ही साथ ये वेज के साथ कांटेक्ट में है तो इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। ये तीन फोर्स जो है ना रहेंगे हमारे पास। और अगर इस दीवार की बात करो तो ये जो नॉर्मल है ये इस वेज पे भी लगेगा और वेज पे किस तरह से लगेगा, तो इक्वल एंड ऑपोजिट ऐसे, जिसका एक कॉम्पोनेंट इस तरफ होगा और एक कॉम्पोनेंट इस तरफ होगा, ये वाला जो कंपोनेंट है इसी से ये दीवार को पुश करेगा, है ना? इस कंपोनेंट से तो दीवार को पुश नहीं करेगा ना वेज, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये निकाल देने से तुम्हारा आंसर यहाँ पर आएगा, समझ रहे हो? तो चलो देखो, जैसे यहाँ पर एन है, इधर एन निकालना मेन मुद्दा है, तो एन निकालने के लिए चलो mg को ब्रेक करते हैं हम लोग, क्योंकि तो ये 60 है ना, तो ये भी 60 होगा, दैट मीन्स कि इस तरफ हमारा आ जाएगा mg cos 60 डिग्री और इधर आ जाएगा तुम्हारा mg sin 60। अब ये mg sin 60 से तो कोई लेना देना है नहीं, दैट मीन्स कि नॉर्मल इज इक्वल टू हो जाएगा mg cos 60 डिग्री प्लस mv² / r। अभी देखो v यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तो ये बॉल जो है कितना, इतना नीचे आया ना, ये इतना नीचे आया, ये जो बॉल जो नीचे आया है ये इतना नीचे आया है जिसमें कि ये तुम्हारा रेडियस है और ये 60 है, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 30, ये 30 होगा ना टोटल 90, तो ये 30 होगा और ये रेडियस है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये r sin θ नीचे आया है, मीन्स r sin 30 नीचे आया है, तो ½ mv² इज इक्वल टू mgh, दैट मीन्स कि mgh दैट मीन्स हाइट r sin 30 डिग्री। अब यहाँ से m कैंसिल हो गया, सो v इक्वल्स टू आ गया 2gr/(1/2) मीन्स √gr लिखो केवल, है ना? ये gr 2gr और sin 30 1/2 होगा ना, तो √gr यहाँ पे तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो आ जाएगा उस पॉइंट b पॉइंट पे। तो यहाँ पर देखो क्या करें, तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं उसे, सो mg cos 60 1/2 प्लस mv² / r मीन्स mgr/r मीन्स mg, तो ये आ जाएगा 3mg/2। ठीक है, लेकिन हमें 3mg/2 हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होना चाहिए ये वाला कॉम्पोनेंट नॉर्मल का, बिकॉज इसी से दीवार को पुश किया जाएगा तो इसका वैल्यू हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो देखो ये नॉर्मल ऐसे और ये डाउनवर्ड मीन्स दिस वन शुड बी ऑल्सो 60 डिग्री, तो इधर हो जाएगा n cos 60 और इस तरफ हो जाएगा n sin 60। ठीक है, तो n sin 60 हमारा जो आंसर है वो n sin 60 होना चाहिए। n sin 60 इक्वल टू, n कितना आया था, n आया था हमारा 3mg/2 √3/2, दैट मीन्स 3√3mg/4, है ना? 3√3mg/4 यहाँ पे आया, और ये जो 3√3mg/4 है इसकी वैल्यू निकालो, सो 3
√3, m कितना है 1 और g है 10 अपॉन 4, दैट इज 2 और ये 5, सो 15 √3 बाई 2, ठीक है। तो ये 15 √3 बाई 2 जो है ना हमारा फोर्स होगा जिससे कि दीवार को पुश किया जाएगा और दीवार भी वेज को उतने ही फोर्स से परपेंडिकुलरली आगे की तरफ पुश करेगा। तो यहां पर हमें निकालना था फोर्स एग्जर्टेड बाय द वर्टिकल वॉल ऑन ओ एम वेज, वॉल ओ एम ऑन वेज, ठीक है।